हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो जो होम्योस्टेसिस है उसमें दो टाइप के मैकेनिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारी बॉडी जो है अपना बैलेंस मेंटेन करती है, उसमें वो दो टाइप के मैकेनिज्म का यूज़ करती है। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, इसमें जो हमारी बॉडी में जब कोई भी चेंज आता है तो उसका जो स्टिमुलस जनरेट होता है ये उसको कम करता है, मतलब ये उसको नेगेटिवली रेगुलेट करता है। उसको अगर स्टिमुलस इंक्रीज हो रहा है तो इसको ये डिक्रीज करेगा या उसको स्टॉप कर देगा, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जबकि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, जो स्टिमुलस है उसको इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, कोई भी हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है तो उसको और ज़्यादा रिलीज करवाया जाता है, उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में एक दो एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन मतलब किस तरह से हमारी बॉडी जो है अपना जो टेम्परेचर है उसको वो रेगुलेट करती है, उसको हम बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन। सो आपको पता है कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो एवरेज 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब वो 36.1 डिग्री सेल्सियस से 37.8 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता है। सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या हुआ, 37 डिग्री सेल्सियस। सो जब भी बॉडी में कोई चेंज आता है, ठीक है, मान लो हमारे बाहर का एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जो हमारी बॉडी में जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो उसको डिटेक्ट करेंगे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब वो इंक्रीज हो रहा है। सेंसरी रिसेप्टर मतलब कि नर्व सेल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं वो उसको डिटेक्ट करते हैं और वो उस इन्फॉर्मेशन को भेज देते हैं ब्रेन को। ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस रीजन होता है उसको भेज देते हैं। वो क्या होता है, वो एक कंट्रोल सेंटर होता है, वो उस इन्फॉर्मेशन को रीड करता है और उस इन्फॉर्मेशन को टैली करता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल कितना है। ठीक है, मान लो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 40 या 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है, ठीक है, और हमारी बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वो उसको टैली करेगा कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस से कितना इंक्रीज हुआ है और इसको किस तरह से कम करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इस इन्फॉर्मेशन को भेजेगा अलग अलग ऑर्गन्स को, जैसे कि स्किन हो गया। ठीक है, तो ये स्किन को उस इन्फॉर्मेशन को भेजेगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको इस किस तरह से कम करना है ये सारी इन्फॉर्मेशन वो देगा स्किन को। ठीक है, तो स्किन में क्या होगा, स्किन में आपको पता है हमारे स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो बोलेगा कि जो आपके जो अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है उससे आप हीट को स्वेट की फॉर्म में रिलीज करोगे, उसकी वजह से हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं स्किन में उसकी वजह से हमें क्या होता है, स्वेटिंग होती है और जिसकी वजह से जो हीट है हमारी बॉडी के अंदर जो इंक्रीज हुआ था टेम्परेचर वो डाउन हो जाता है। और इसी तरह अगर कभी हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि हमें ठंड लगती है। ठीक है, हमें ठंड लगती है तो उस हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो गया है। ठीक है, तो वो इस इन्फॉर्मेशन को भेजेंगे हाइपोथैलेमस को। ठीक है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल सेंटर है, तो इस इन्फॉर्मेशन को वो रीड करेगा और इसको रीड करने के बाद वो बताएगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर एवरेज जो है वो इतना है और आपको इसको कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप लेना होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो बताएगा हमारे स्किन सेल्स को या फिर जो ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको वो बताएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारे अंदर मतलब वो फील आता है, हम गर्म कपड़े पहनते हैं या फिर हम इस तरह से मतलब ऐसे इकट्ठे से हो जाते हैं, मतलब खुद को कर्ल कर लेते हैं या फिर रजाई में घुस जाते हैं, मतलब कोजी से इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से जो हीट लॉस है वो कम होगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारे जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो हमारी बॉडी में जो होम्योस्टेसिस है उसको रेगुलेट करती हैं। तो इस तरह से जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो हमारी बॉडी से जो हीट लॉस है उसको वो रोकता है और इस वजह से जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल आ जाता है। तो इसको हम थोड़ा फ्लो चार्ट की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे।
मान लीजिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो इसको सेंस किया नर्व सेल्स ने, मतलब जो हमारी बॉडी में जो सेंसरी रिसेप्टर्स है उन्होंने इसको सेंस किया और इस सिग्नल को भेज दिया उन्होंने ब्रेन को, ब्रेन की जो हाइपोथैलेमस रीजन है उसको भेज दिया। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वो इस इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा, ठीक है, और इसको टैली करेगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। तो ये रीड करने के बाद क्या करेगा, ये इस इन्फॉर्मेशन को भेजेगा, मतलब जो हमारे जो इफेक्टर्स होते हैं, इफेक्टर में आते हैं हमारे जैसे स्किन सेल्स हो गया या फिर अदर ऑर्गन्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ये स्किन सेल्स को क्या करेगा, ये इस इन्फॉर्मेशन को भेजेगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल इतना है और आपको इसे किस तरह से कंट्रोल करना है जो इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर। तो ये स्किन सेल्स को बताएगा कि आप जो आपके अंदर जो स्वेट ग्लैंड है उससे आप स्वेट सीक्रेट कीजिए और जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डाउन हो आ जाएगा, ठीक है। तो स्किन के जो स्वेट ग्लैंड होते हैं वो स्वेटिंग करते हैं जिसकी वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डाउन आ जाता है और हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन हो जाता है, मतलब वो नॉर्मल आ जाता है। इसी तरह से अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कभी डाउन होता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हुआ तो इस तरह से सेंसरी रिसेप्टर जो होते हैं हमारी बॉडी में उन्होंने इसको सेंस कर लिया। सेंस करने के बाद क्या हुआ, हमारे जो बॉडी में है वो कंपन हो गए, मतलब हम ठिठुरने लग गए ठंड के कारण, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो मैसेज है ये चला गया ब्रेन के पास, ब्रेन के जो हाइपोथैलेमस रीजन होता है ब्रेन में, उसने क्या किया, उसने टैली किया कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इससे 37 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया है, तो इसको किस तरह से हम दोबारा से नॉर्मल ला सकते हैं, ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस है ये भेजेगा उसको इफेक्टर को। इफेक्टर में हमारे आते हैं जो स्किन सेल्स है या फिर अदर जो ऑर्गन्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है हमारी बॉडी में वो हाइपोथैलेमस के इंस्ट्रक्शन की वजह से आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, या तो हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं या फिर हम खुद को कर्ल कर लेते हैं, मतलब वो खुद को हम ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा और वहां से जो हीट लॉस है वो कम होगा, ठीक है। तो जो ये साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो हीट लॉस है वो कम होता है और जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब वो नॉर्मल आ जाता है और इस वजह से हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो रेगुलेट होता है। अब इसमें दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि किस तरह से हमारी बॉडी जो रेगुलेट करती है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। कई बार क्या होता है जब जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब जो हमारे शुगर है वो इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन सीक्रेट करता है। इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो इससे क्या होगा, जब इंसुलिन सीक्रेट होगा तो ये ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, तो मसल सेल्स या फिर जो लीवर है वो इंसुलिन को एब्जॉर्ब करेंगे और लीवर में जो ग्लूकोज जाएगा वो वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में और वहां पर वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंसुलिन रिलीज होता है पैनक्रियाज से वो बंद हो जाता है। मतलब जो ये ग्लूकोज लेवल जब ये कम हुआ है तो ये क्या करेगा, ये इसको रेगुलेट करेगा नेगेटिवली, ठीक है, मतलब इसको नेगेटिवली रेगुलेट करेगा कि इंसुलिन जो पैनक्रियाज से सिक्रेट हो रहा है उसको वो बंद कर दे, मतलब ये पैनक्रियाज को क्या करेगा, मैसेज भेजेगा कि अब इंसुलिन की सिक्रेशन को आप बंद कर दीजिए, हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल आ गया है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है इंक्रीज होता है तो क्या होता है, जो पैनक्रियाज है हमारा उसके जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं और इंसुलिन क्या करेगा, ये ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं या फिर जो लीवर है वो क्या करेगा, वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, जो बॉडी के सेल्स है वो ग्लूकोज को ले लेंगे और जो लीवर है वो भी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा और लीवर में जाकर जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, ठीक है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये स्टोर हो जाएगा लीवर में, जिसकी वजह से जो बॉडी का ग्लूकोज लेवल है वो डाउन आ जाता है और जो होम्योस्टेसिस है हमारी बॉडी में वो रेगुलेट होता है, मतलब वो मेंटेन हो जाता है, वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह से अगर कभी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो डाउन होता है तो क्या होता है, जो पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स है, जब ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो बीटा सेल्स ने इंसुलिन सिक्रेट किया और जब ग्लूकोज लेवल डाउन आया तो अल्फा सेल्स ने क्या किया, ग्लूकागोन सिक्रेट किया। ग्लूकागोन एक हार्मोन है जो क्या करेगा, जो लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर था उसको ये कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में,
मतलब उसको ये ब्रेक करेगा ग्लाइकोजन को और उसको तोड़कर ग्लूकोज रिलीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है और हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो रेगुलेट होता है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल कि किस तरह से हमारी बॉडी जो है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो आज की वीडियो में हमने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।